भारतीय क्रिकेट टीम एंटीगा टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 203 रन बना चुकी है। 25 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद टीम को इस स्कोर तक ले जाने का श्रेय मध्यक्रम के बल्लेबाज और टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को जाता है। रहाणे ने मुश्किल समय में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए न केवल अर्धशतक लगाया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि टीम 200 रन के पार पहुंच जाए। अजिंक्य रहाणे ने आउट होने से पहले 81 रन बनाए। भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन को जगह नहीं दी। रोहित की जगह हनुमा विहारी और अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को टीम में मौका दिया गया है। हालांकि पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अश्विन को न खिलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। अब पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रहाणे ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर क्यों टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा और अश्विन को जगह नहीं दी गई। पहले दिन के खेल के बाद रजिंग रहाणे ने बताया कि मैच के हालात को देखते हुए टीम को रोहित शर्मा और अश्विन को प्लेइंग 11 में न खिलाने का कड़ा फैसला लेना पड़ा। यह निर्णय टीम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। रहाणे ने कहा कि जब आप अश्विन जैसे खिलाड़ी को नहीं खिलाते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल फैसला होता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट हमेशा टीम का सही संयोजन तलाशने में फोकस करती है। अजिंक्य रहाणे ने बताया कि जडेजा को इसलिए तरजीह दी गई क्योंकि इस विकेट पर वो अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं और वो टीम की छठे नंबर की बल्लेबाजी की ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। वहीं हनुमा विहारी भी इस पिच के लिए उपयोगी गेंदबाज साबित हो सकते हैं। ऐसे में कोच और कप्तान के बीच यही तय हुआ कि टीम का संयोजन यही होना चाहिए। रहाणे ने साथ ही यही कहा कि अश्विन और रोहित जैसे खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाने का फैसला हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन ये सब टीम के लिए किया गया। DNP न्यूज़ रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।